ये जो कुंड बन गया है इस कुंड में सोन का उद्गम है। यह कुंड बाद में बना है, मैंने उस समय देखा है इसको जब यह कुछ नहीं था, यहाँ ये कुछ भी नहीं था, धाम जब बाजार नहीं था, शुद्ध प्रकृति थी बाजार नहीं, और इस कुंड से मैंने उंगली की मोटाई से पानी निकलते देखा है। अवहो भवानी माई बैठा मोरे आंगनी देबे सतरंगिया बिछाई हो, और गैया के गोबर से आंगन लिपई मई गज मोती चौक पुराई हो। अमरकंटक एक भव्य दर्शन। विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच मैकाल पहाड़ी में 1065 मीटर की ऊंचाई पर हरा भरा नैनाभिराम धार्मिक पर्यटन स्थल अमरकंटक स्थित है, जो उन तेज दुनिया के लोगन भरे आकर्षण के केंद्र है। नर्मदा कुंड। स्कंद पुराण में नर्मदा के जिक्र रेवा उत्तरी तीरे के रूप में मिलत है। माँ नर्मदा के संबंध विश्वामित्र से रहा। पाप नासनी मां नर्मदा के दिव्य कन्या के वरदान भगवान शिव से मिला रहा, जेकर नास प्रलय कालों में ना ही हो सके। नर्मदा मंदिर के बीच मां नर्मदा कुंड है, जेकर जल नर्मदा सरोवर से होके नर्मदा घाटी मां गिरत है। यहीं पे कपिल धारा जल प्रपात देखे के मिलत है। कपिल धारा जल प्रपात नर्मदा घाटी मां कपिल धारा जल प्रपात जेकर संबंध कपिल मुनि की तपोस्थली से लगावा जात है। यहाँ नर्मदा के तंग घाटी मनोहारी अद्भुत दृश्य बनावत है, जहाँ 100 फीट की ऊंचाई से जल गिरत है। ये जो कुंड बन गया है, इस कुंड में सोन का उद्गम है। यह कुंड बाद में बना है, मैंने उस समय देखा है इसको जब यह कुछ नहीं था, यहाँ ये कुछ भी नहीं था, धाम जब बाजार नहीं था, शुद्ध प्रकृति थी बाजार नहीं, और इस कुंड से मैंने उंगली की मोटाई से पानी निकलते देखा है। ये जो दिख रहा है ना, वो वही पानी है। जी, जी। ये जो आई है, हाँ, ये सोन नदी है। दूध धारा जलप्रपात। कपिल धारा के आगे 200 मीटर की दूरी पे दूध धारा जलप्रपात मिलत है, जहाँ 11 फीट की ऊंचाई से जल गिरत है, जेकर जल दूध जैसन दिखाई पड़त है। ये धारा का दुर्वासा से जोड़त है। सोनमुड़ा। अमरकंटक से 2 किलोमीटर की दूरी पे सोनमुड़ा स्थित है, जहाँ से सोन नदी का एक पतली धारा आगे 100 मीटर तक अनेक गुप्त धारा लेके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मध्य सोन घाटी मां गिर के छत्तीसगढ़ झारखंड होत हुए पटना के माँ गंगा माई में मिल जाते हैं। हमार लोगन के ये बघेली अवधि जनजागरण यात्रा के दूसरे दिन के पड़ाव में आज हम लोग माई नर्मदा के गोदी में कपिल धारा में इकट्ठा हैं। सबको देखी या बैकग्राउंड में पाछे कपिल धारा के जल प्रपात कौमेर से आनंददायी है, और यह यादगार का हमेशा के खातिर सुरक्षित रखे बदे हम चाही थे कि यहाँ अपने वाणी का पवित्र कीन जाए, और दुई दुई लाइन से हम यह यादगार पल का कैद कर ली अपने कैमरा में। और दूध अकेली यात्रा 4 दिन का है, 4 दिन जिंदगी में बहुत होता है। एक उत्तर दे करके अपने वाणी को विराम दूंगा। 4 दिन जिंदगी के बहुत हैं यहाँ, 4 दिन जिंदगी के बहुत हैं यहाँ, बोल दी बंदगी के बहुत हैं यहाँ, साथ दे पाए ना जिंदगी भर अगर, प्यार के 4 पल ही बहुत हैं यहाँ, प्यार के 4 पल ही बहुत हैं यहाँ। धन्यवाद। दिल में गम है तो है, आँख नम है तो है, क्या बात, रोशनी आजकल
रोशनी आज कल थोड़ी कम है, वो हमें चाहते ये रहम है। कौन किसको छल रहा जिसमें दम है। चार महीने अब हो भवानी माई बैठा मोर आंगनी देब सत रंगिया बिछाई हो और गैया के गोबर से आंगन लिपई गज मोती चौका पुराई हो गैया के घिवा से हो मिया करई धुआं वाया कसे में डराई हो धुआं आकाश में डराई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। दो लाइन बा के हवाओं ने अपना अमन बेच डाला, हवाओं ने अपना अमन बेच डाला, फिजाओं ने अपना चमन बेच डाला। अब हम किससे किसकी शिकायत करें जब गद्दारों ने देश का कफन बेच डाला। पावन अवसर पर इधर आ जा महाजन, नर्मदा की घाटी में कपिल धारा के ये मरोना दिशम डॉक्टर राम बहादुर मिश्र अवधि के पुरोधा और बघेली के पहचान ले भाई डॉक्टर रामगरी पांडे विकल और सब सचिन का हृदय से वंदन अभिनंदन और स्वागत है। और हमारा सबके यादगार के फल बने ये अवसर जो बाड़े जीते हैं, निश्चित रूप से जीवन का धारा बनावे के काम धारा का प्रणाम क्रम है। दूधारी अवधि और बघेली मिलन का सुखद हुए परिणाम माँ नर्मदा की दुग्धधार का सत्सद धार प्रणाम भीड़भाड़ के दिन गानी है चार दिना, दिन गानी के रहा रवानी चार दिना, साथ साथ अब भी बाघेली धाई परी, कदम कदम पर पानी वाली चारी पड़ी थे कि बहुत नीक लागई हो या कपिल धारा, हम पंचन खड़े हन देखा दुग्ध धारा, हम पंचन खड़े हन देखा दुग्ध धारा।